Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics Channel, and I'm going to teach you today the lift concept, which is of course connected with the motion of connected bodies. Lift. See students, इसको escalator problems भी बोलते हैं. आपने देखा होगा lift में एक string लगी होती है और इसमें हम एक पैसेंजर को खड़ा करते हैं. सपोज उसका मास m, तो इसका वेट नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर. अगर ये ऊपर जा रही है तो कौन सा फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन. तो r शुड बी ग्रेटर देन mg. तो r माइनस mg इज इक्वल टू ma. हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप. तो r इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए. तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज लिफ्ट में वर्टिकली ऊपर जाएगी तो उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो, वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो और लिफ्ट एक्सेलरेट होके ऊपर जा रही है, तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज होगा बाय द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. हां, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो. फिर आपका नॉर्मल वेट रहेगा. इज इट ओके? अब अगर यही लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, नॉर्मल रिएक्शन आर, अब हम मोशन क्या ले रहे हैं? डाउनवर्ड. तो क्या होगा? इसका वेट एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए. तो आर किसके इक्वल आ गया? एम जी माइनस एम ए. तो आर एम इंटू जी माइनस ए. अब जब आप लिफ्ट में नीचे की ओर आ रहे हो तो आपका वेट क्या कर रहा है? डिक्रीज करेगा. बाय व्हाट वैल्यू? बाय द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपका वेट इंक्रीज करेगा बाय द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. जब आप नीचे आ रहे हो, आपका वेट डिक्रीज करेगा बाय द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो आपका वेट ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा और आप नीचे आ जाओगे. अब एक चीज नोट करो, इफ ए इक्वल टू जी तो आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस जी, आर इक्वल टू एम इंटू जीरो, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स? जीरो. मींस दैट देयर विल बी नो वेट ऑफ यू एक्सपीरियंस बाय यू. यू विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस. यू विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस. तो स्टूडेंट, ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक रहा और हमारा लॉज ऑफ मोशन का जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड सिलेबस है थ्योरी पार्ट, वो खत्म हो गया. अब हम न्यूमेरिकल पार्ट में निकलेंगे, कॉन्सेप्चुअल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पार्ट में निकलेंगे, शॉर्टकट पार्ट्स में निकलेंगे, राइट? तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को यूज करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? गो टू द प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप क्या करोगे, वीडियोस फॉलो करोगे, तो आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, राइट? सो विशिंग यू ऑल गुड लक, हैप्पी लर्निंग, राइट? थैंक यू वेरी मच. तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए टॉपिक. अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि सिलेबस का रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं वो भी कवर कर दूंगा. नाउ अब हम न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स में जाएंगे, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.